हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिवाइन केयर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमरूद के बारे में। अमरूद एक ऐसा फ्रूट है, इसको हम अगर मेडिसिनल फ्रूट कहें तो गलत नहीं होगा। ये समर, रेनी सीज़न और विंटर्स तीनों सीज़न में मिलता है, लेकिन जो बेस्ट इसके फ़ायदे हैं वो हमें मिलते हैं विंटर सीज़न में, सर्दियों के मौसम में। सर्दियों के मौसम में होने वाले जुकाम, खांसी और पेट दर्द, इसके अलावा और भी कई सारी प्रॉब्लम्स में हमें अमरूद का सेवन बहुत हेल्पफुल रहेगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अमरूद खाने के 12 फायदे। अमरूद में विटामिन सी और नेचुरल शुगर बहुत अच्छी मात्रा में होती है और बहुत अच्छा सोर्स है पेक्टिन का। हमें अमरूद बीजों के साथ खाना चाहिए, तब हमें इसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलते हैं। सर्दियों के मौसम में अमरूद को अपनी डाइट में शामिल करने के जितने भी फायदे हैं उनको अब हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला फायदा, हम अमरूद को एनर्जी फ्रूट भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिंस और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके सेवन करने से वो सारे ही विटामिन मिनरल्स हमारी बॉडी को मिलेंगे और उन सब का बेनिफिट भी हमें मिलेगा। दूसरा फायदा, अमरूद में विटामिन B9 पाया जाता है जो कि हमारे DNA को सुधारता है और हमारी सेल्स को भी नरिश करता है। तीसरा फायदा, अमरूद को हम दिल का साथी भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम का कंटेंट बहुत अच्छा होता है जो कि हमारे हार्ट को हेल्दी बनाता है और हमारे हार्ट की जो मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन करता है और कई सारी बीमारियों से हमारे हार्ट को बचा कर रखता है। चौथा फायदा है कि हम जब अमरूद का सेवन हर रोज करते हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। पांचवा फायदा, सर्दी शुरू होते ही सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। अमरूद के नियमित सेवन से हम अपना बचाव कर सकते हैं सर्दी जुकाम से। छठा फायदा है कि अमरूद में विटामिन ए और विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है, तो ये हमारी आंखों की हेल्थ और हमारे बालों और स्किन की हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल है। सातवां बेनिफिट कि अमरूद में लाइकोपीन नाम का एक फाइटोन्यूट्रिएंट होता है जो कि हमें कैंसर और ट्यूमर जैसी बीमारियों से लड़ने में हमारी हेल्प करता है, या हम ये कह सकते हैं कि उनके रिस्क को कम करता है। आठवां बेनिफिट है कि अमरूद में बीटा कैरोटीन बहुत अच्छी मात्रा में होता है जिसकी वजह से स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे कि दाद, खुजली या सोराइसिस और एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम, उन सब में भी हमें रिलीफ मिलता है। अमरूद का नौवां फायदा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट, ज़्यादातर लोग आजकल उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो रूटीन में अगर अमरूद को खाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से रिलीफ मिलेगा। दसवां फायदा है कि मुंह में जो ब्लिस्टर्स, छाले हो जाते हैं उनको दूर करेगा। तो अमरूद के साथ साथ जो अमरूद की पत्तियां हैं वो भी बहुत बेनिफिशियल हैं। विंटर सीजन में हम ज़्यादातर गर्म चीज़ों का सेवन करते हैं तो उसकी वजह से सर्दियों में मुंह के छाले एक आम समस्या हो जाती है। यहाँ पर हम अमरूद की पत्तियों को पानी में उबालकर और जो वो पानी हमारे पास आएगा उससे कुल्ली करेंगे दिन में 2 से 3 बार, तो जो छाले मुंह में हो गए थे, ब्लिस्टर्स हो गए थे, उनमें बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। अमरूद का 11वां फायदा कि इसमें फाइबर कंटेंट बहुत अच्छा है, तो कॉन्स्टिपेशन की हमने बात की कि कॉन्स्टिपेशन को रिलीज करता है, उसके साथ साथ ये हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को भी कंट्रोल करता है, तो जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी अमरूद खाना बहुत फायदेमंद होगा। 12वां बेनिफिट है कि अमरूद हमारे मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग करता है, तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है वहाँ पर भी बहुत हेल्पफुल होगा अमरूद का सेवन। अगर आपको अमरूद के बारे में ये सारी जानकारी अच्छी लगी है तो इन सर्दियों आप भी अमरूद को अपनी डाइट में शामिल करें और इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाएँ। ये जानकारी और लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। हमारी सभी वीडियोस हमारी ऐप पर भी अवेलेबल हैं जो कि डिवाइन केयर के नाम से है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।